हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन आई नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि सबको पीजीआई और जीएमसीएस का हमेशा से वेट रहता है, तो जीएमसीएस चंडीगढ़ की वैकेंसी आई हुई है। ये डियर्स कंप्लीट नोटिफिकेशन से हर पॉइंट का मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। इसका सिलेबस का भी डिस्कस करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी अपन लाएंगे और टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और इसके रिलेवेंट्स क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स है, मिशन आई नर्सिंग क्लासेस की जो बुक्स है उसके बारे में भी आपको दिख रहा होगा। और उन बुक्स का अगर आपको सैंपल पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और डियर्स, टेलीग्राम ग्रुप पे लेटेस्ट अपडेट सब मिल जाती हैं, जिसके अंदर मोर देन 5,500 लोग ऐड जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। तो डियर्स, अभी अपन वैकेंसी के बारे डिस्कस करते हैं। जो इसका लास्ट डेट है 27 दिसंबर। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 162। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग पोस्ट है। यूआर का 64 रहेगा, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, एससी, ओबीसी। एसटी का पोस्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका पोस्ट अवेलेबल है। जीएमसी चंडीगढ़ का वैकेंसी है और डीएस ये टेम्परेरी लिखा हुआ है, लेकिन 3 ईयर्स तक टेम्परेरी रहता है, बट एज उसको परमानेंट कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब वैकेंसी बिल्कुल एकदम ऑफिशियली है, बिल्कुल वेरीफाई है। अगर आपको सर्च करना है तो आप gmc.government.in पे जाइए, उसके बाद में वैकेंसी पे क्लिक कीजिए तो आपको मिल जाएगी, और फॉर्म भी वहीं से आपको फिलअप करना है। अब बात करते हैं बेसिक्स इन्फॉर्मेशन की, बात करते हैं आगे के लिए। आगे के लिए 162 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट है, वो जो आपको पहले डिस्कस किया। क्वालिफिकेशन GNM BSc कोई भी कर सकता है, कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो GNM के लिए गोल्डन चांस है। इसके में एक एडिशनल जो डिग्री और डिप्लोमा जो कंप्यूटर का है कोर्सेज चाहिए होता है, तो कंप्यूटर का कोर्सेज आप अभी भी कर सकते हो, आपको जल्दी मिल जाएगा। वो आप कहीं से भी सर्च करना रहेगा, कंप्यूटर डिग्री के रिलेवेंट हम कुछ भी कोर्स नहीं करवाते हैं, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हमको भी नहीं है। तो अब आगे अपन बात करते हैं, कंप्यूटर का कोर्स आप ले आना या कहीं से भी सर्टिफिकेट आप देख लेना, बात कर लेना। इसके बारे में बात करते हैं कि जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और आपको प्रोवाइड करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। प्रोबेशन पीरियड इसमें 3 साल का रहता है, स्पेशली आपको बता देता हूँ, प्रोबेशन पीरियड 3 ईयर्स का रहता है, बाकी में 2 ईयर्स का रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इसके अंदर 3 ईयर्स का रहता है। इसके बाद में फॉरम की फ़ीस शेड्यूल कास्ट के लिए 500 रुपये, जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर जो भी कैटेगरी है उसका 1,000 रुपीज। एक्स सर्विसमैन पीएस को फीस नहीं लगेगा, 0 रुपये। इसमें ध्यान रखना, जिन जो लोग एससी कैटेगरी में आता है उनके पास एससी का अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो ही वो एससी कैटेगरी से फिलअप करे, अदरवाइज जनरल से करे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप फीस तो अभी 500 रुपये दोगे, फिर आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको जनरल में कंसीडर नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का सर्टिफिकेट विशेष ध्यान रखना। एज लिमिटेशन 37 ईयर एज है, इसके अलावा भी जो एज रिलैक्सन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का या जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एससी के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये सेम टू सेम रूल्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑलमोस्ट बाकी सब चीज़ें ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा आपको 15 तारीख से लगाकर 27 तारीख तक, वो 1.5 महीना रहेगा कम से कम, इसलिए आप उस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट को आप व्यवस्था कर लेना। और कहीं पर भी आपको फॉरम की साइट बता दी, लेकिन फिर भी कहीं फॉरम भरने में कहीं भी दिक्कत आती है तो उसके लिए साइट दे रखी है, तो वो साइट में आपको बता देता हूँ, ताकि कुछ भी दिक्कत आए तो उस साइट पर आप अपना फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है एक वाइट पेज पर लिख देना, फोटो सिग्नेचर, वाइट बैकग्राउंड, वाइट पेज होना चाहिए, और आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने मिस्टेक की, तो ऐसा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप अब पेमेंट फॉर्म फिलअप करने के 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के बाद में उस बैंक का सालान आपको बैंक में जाना है, बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होगा, SBI, इसके अलावा किसी बैंक में नहीं होगा, और सालान जमा कराने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट आप कर सकते हो। फिर कैटेगरी आपको पूरा बता दिया, जो मेजर इन्फॉर्मेशन पूरी बता दी। फॉर्म को सेंड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फॉर्म का प्रिंट निकाल के रखना, और जो भी आप सालान है सालान का भी ओरिजिनल कॉपी आपके पास में रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे ये सब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, फिर भी कोई दिक्कत होती है आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और फॉरम में कहीं भी क्यूरीज है, कोई दिक्कत आती है, तो DMURUT2021@gmail.com पे आप व्हाट्सएप मैसेज सॉरी इनको ईमेल कर सकते हैं, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आपका सॉल्व आउट हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आपका सिलेबस की बात करें, सिलेबस के अंदर 70 कंसर्न सब्जेक्ट आएगा, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल असेसमेंट क्वेश्चन आएगा 30 क्वेश्चन, मतलब पूरा सिलेबस नर्सिंग का रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके लिए एक बेस मार्क तय कर रखा है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल के लिए 50% और पीएस के लिए 45%। ईडब्ल्यूएस और जनरल एक ही कैटेगरी का है, ओबीसी उसके साथ भी है, तो उसमें इनको रिलेक्शन नहीं दिया है। तो आपको ये एज और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 1/4 बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में काउंसलिंग होगी, जो काउंसलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम में आपको 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन वैसे नहीं है। सिलेबस आपको बता दिया 70-30 रहेगा, 3 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। बाकी मेजर इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपको दे दिए। फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जीएनएम बीएससी अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जो मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है ये क्राइटेरिया होना चाहिए, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने टाइम है, आप आराम से अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ऑल इंडिया का कहीं का भी अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन के लिए मिशन है कि जो बुक्स हैं उस बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए आप अगर आपको सैम्पल पीडीएफ देखते हैं तो सैम्पल पीडीएफ आप देख सकते हो, या अगर आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट missionhainursing.com विजिट कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट। आर यू वांट टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर? यस, बट कंफ्यूज्ड व्हिच गाइड और बुक इज बेस्ड फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स? प्रॉब्लम सॉल्व, मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। मिशन नॉनटेक, ए शॉर्ट गाइड फॉर ऑल नॉन टेक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर एंड जनरल साइंस। ऑर्डर करें अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से।